नमस्कार, मैं गुंजन उत्रेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एसएल ग्रुप की विरासत के 90 वर्ष पूरे हो गए और इसीलिए दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि आज यहां पर शिरकत कर रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी, साथ ही साथ होंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल, देश के जाने माने नेता और अभिनेता और जानी मानी हस्तियां हमारे साथ यहां होंगी। तो भाई इंतजार किस बात का है, आपको उनसे मिलवाते हैं, जानते हैं कि उनकी एसएल ग्रुप के बारे में क्या राय है और साथ ही साथ वो डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। Let's take a look. अभिनंदन करना चाहता हूँ उस ग्रुप का, 90 साल पूरी की किसी परिवार ने और परिवार के लोग काम को आगे बढ़ाएं और उस काम में पैसा कमाने के साथ साथ समाज सेवा की भावना हो, देशभक्ति की भावना हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सुभाष जी की। सुभाष जी इज अ सेल्फ मेड मैन हु इज डन वंडर्स बाय हिज हार्ड वर्क इनिशिएटिव एंड आई विश द ग्रुप ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा जो हैशटैग क्रिएट किया है यंग एट 90। आई थिंक ये 90 साल जो एसएल ग्रुप के रहे हैं वो भारत के इतिहास के साथ बड़े क्लोजली जुड़े हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, एसएल ग्रुप ने पूरी देश को एक प्रेरणा दी है और एक मार्ग दिखाया है कि किस तरह से छोटे से स्तर से इतना बड़ा समूह बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, एक लंबी अच्छी सफल यात्रा इस ग्रुप ने की है, सारे देश भर के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल भी सेट किया है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ सिर्फ संस्था नहीं, ये एक मूवमेंट है, ये एक मिशन है और इस मिशन को इस परिवार ने इतने लंबे समय तक उन शिखर तक पहुंचाया है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं सुभाष जी को, पूरे जी ग्रुप को, एसएल ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रुप के 90 साल पूरे होने के अवसर पर मुझे आकर बहुत ही खुशी हुआ और ये जानकर कि बहुत छोटे स्तर से और कई बार गिर के उठकर उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचा और इससे पूरे देश को एक प्रेरणा मिलेगी। टेलीविज़न के ऊपर जो क्रांति लाई गई और जो चैनल शुरू हुए वो जी ने ही सबसे पहले शुरू किए थे। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, शिक्षा से लेकर मनोरंजन क्षेत्रों में उन्होंने बहुत काम किया। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि जिस ग्रुप ने, जिस फैमिली ने इतना लंबा समय वो फर्श से अर्श तक का देखा हो उसकी खुशियों में मैं शामिल हूँ। एसएल ग्रुप के 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है, हम सब के लिए। सुभाष जी इज नो डाउटली ए विजनरी, ए मिशनरी एंड अ वेरी पेट्रियोटिक मैन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड। आई थिंक ये एसएल ग्रुप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एक मैसेज है। मेक इन इंडिया का जो हमारा हमारे जो पीएम मिस्टर मोदी हैं उन्होंने एक मुहिम जो चलाई है, आई थिंक उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ जुड़कर।
और ये सोचिए अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो चलिए अंदर, आज आपको लेके चलता हूं एक सफर पर जहां सुनाऊंगा आपको एक परिवार की कहानी, 90 वर्षों की परंपरा, प्रतिष्ठा, परिश्रम और बलिदान की कहानी। एक ऐसा परिवार जिसने दुनिया को बता दिया कि कारोबार अपने लिए ही नहीं, अपने हित के लिए ही नहीं, बल्कि देश के हित के लिए भी किया जा सकता है। सो एज दे से इन इंग्लिश, लेट द सेलिब्रेशंस बिगिन। महाजनो ये न गतः सह पंथः, कहते हैं जिस राह गए हैं महापुरुष वही राह सही है। पथ बनने के बाद पथिक तो बहुत आते हैं, पर ऐसा कोई एक ही होता है जो अपने ख्यालों में उस राह को गुजरते देखता है और जिंदगी की धूप में तप कर, विषमताओं के अंधेरे को चीर कर, वक्त के आगे निकलकर प्रशस्त करता है एक मार्ग दुनिया के लिए। ये कहानी है उस जिद की, संभावनाओं को सच में बदलने की, अपने राष्ट्र अपने मूल्यों के लिए खड़े होने की। यह कहानी है एसएल ग्रुप की, इसके 90 वर्षों की उपलब्धि यात्रा की। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू द प्रेजेंट and the future of SL. नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी हूं और एसएल परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हमारे बीच हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज एक ऐतिहासिक शाम है और बहुत बड़ा दिन है और मुझे लगता है कि ये शाम एक यादगार शाम रहेगी हम सब के लिए। कई बार हम बढ़ती उम्र को सिर्फ बुढ़ापे की तरह देखते हैं, लेकिन यह बढ़ती उम्र हमेशा बुढ़ापा नहीं होती, तजुर्बा भी होती है। बढ़ती उम्र हमेशा कमज़ोरी नहीं, ताकत भी होती है। समय का चक्र हमेशा आपको कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि आपको मजबूत भी बनाता है। इसीलिए अंग्रेज़ी में अक्सर कहा जाता है ओल्ड इज़ गोल्ड। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ओल्ड से पहले अगर जी लगा दिया जाए तो गोल्ड हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसीलिए अक्सर पुराने और उम्रदराज व्यक्ति या संस्थान को सोने जैसा खरा और शुद्ध माना जाता है। एसएल परिवार इस कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है। अक्सर कहा जाता है किसी पारिवारिक व्यवसाय में दो पीढ़ियों के बाद मंदी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन एसएल परिवार ने इस रूढ़ी को तोड़ा है। हमारे संस्कारों में अक्सर कहा गया है कि कोई भी शुभ काम देश के प्रति अपने समर्पण के साथ करना चाहिए, और इसीलिए अब समय है हम सबको भारतीयता के सूत्र में बांधने वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का। और ये प्रस्तुति कर रहे हैं जी टीवी पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय कार्यक्रम सारे गामा पा के हमारे लिटिल चैंप्स।
अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अशोक गोयल जी को। अशोक जी एसएल ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सबसे छोटे भाई हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मंच पाएँ और हमारे साथ अनुभव बांटें। आज का दिन, आज की शाम पारिवारिक शाम है, परिवार में कितनी शक्ति होती है ये हमें बताएं। सम्माननीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, अलग अलग प्रदेशों से आए माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री, समाज के विभिन्न वर्गों, कला, साहित्य, संस्कृति, खेल व फिल्म जगत से आए हुए सम्मानित अतिथियों का आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एसएल के 90 वर्षों की इस यात्रा के उत्सव में अपना आशीर्वाद देने आए हुए सभी धर्म गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। भारत सरकार के सभी अधिकारियों का, उद्योग जगत से आए हमारे सभी सम्माननीय साथीगण, एसएल परिवार के हमारे सभी सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूँ। हम सब आज की शाम यहाँ एसएल समूह द्वारा 90 साल की अपनी गौरवमयी यात्रा में हासिल उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं अपने दादाजी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ गोयनका जी, पूज्य पिताजी श्री नंदकिशोर जी गोयनका, मेरे पूज्य बड़े भाई सुभाष जी, लक्ष्मी जी, जवाहर जी, हमारी जनरेशन नेक्स्ट और पूरे परिवार की ओर से एसएल की 90 वर्ष की सफल यात्रा में हमारा साथ देने के लिए सभी सहयोगियों, उपभोक्ताओं, दर्शकों, शुभचिंतकों व मार्गदर्शकों का विनम्रतापूर्वक धन्यवाद करता हूँ। ये आपका प्यार और आत्मीयता है कि हम यह अविश्वसनीय यात्रा पूरी कर गर्व और आत्मीयता के साथ आप सबके बीच खड़े हैं। यह हम सबके लिए गौरव और सम्मान की बात है कि इस समूह में हमारा कारोबार पीढ़ी दर पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ता रहा और आज पांचवी पीढ़ी इस जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक संभाल रही है। एसएल समूह की 90 साल की यात्रा के इस पड़ाव पर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक संस्मरण ध्यान में आता है। स्वर्गीय दादाजी उस समय थे और हम कभी घर से बाहर काम के लिए जाते थे या वापस आते थे तो वो विभिन्न प्रकार के सवाल हमसे पूछते थे। उस समय लगता था कि दादाजी शायद कोई बात ज़्यादा खींचते हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि उनका पूछने का तात्पर्य ये था कि हम किसी भी चीज़ को अलग अलग भिन्न भिन्न एंगल से भिन्न भिन्न तरीके से कैसे देखें, जो कि बाद में हमारे लिए एक कारगर शिक्षा साबित हुई। इन 90 सालों में हमारी ये यात्रा चुनौतियों, जीत हार, आशा, सपनों और रोमांच से भरपूर रही। मैं उस करुणामयी ईश्वर के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिनकी कृपा से हम अपने जीवन में ये सब कुछ कर पाए। आज की इस शानदार संध्या पर कुछ भी कहने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज भले ही हमने 90 साल की एक लंबी यात्रा पूरी कर ली है, लेकिन हम हृदय से युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस समूह को और विस्तार देने के लिए हमारा जोश कभी कम नहीं होगा। हम आगे भी निरंतर बड़ी सोच के साथ कुछ और बेहतर हासिल करने की अपनी यात्रा जारी रखेंगे और देश की आर्थिक उन्नति में अपना छोटा सा योगदान करते रहेंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप इस यात्रा में हमारे साथ रहे और हमारी उपलब्धियों के उत्सव की इस शानदार संध्या में हमारे साथ मौजूद हैं।
आज के उत्सव की शाम आपके लिए खुशनुमा हो। जय हिंद। धन्यवाद अशोक जी। एसएल ग्रुप का अगर नाम आता है तो जी टीवी का नाम भी आता है। जी टीवी ने सही मायनों में भारत को पहली बार टीवी देखना सिखाया। जी टीवी ने मनोरंजन की परिभाषा बदली और जी टीवी ने देश के लाखों युवाओं को एक शानदार मंच दिया। जी टीवी ने युवाओं को सपने देखना सिखाया, युवाओं को ये बताया कि भले ही वो किसी बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए, भले ही वो राजकुमार ना हो, फिर भी वो अपनी काबिलियत और प्रतिभा के दम पर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, इस देश के सुपरस्टार बन सकते हैं। ऐसे युवाओं में देश के कई जाने माने अभिनेता, अभिनेत्री, गायक और कलाकार शामिल हैं जिन्हें जी टीवी ने और उनकी प्रतिभा के कारण आप तक पहुंचाने का एक मंच दिया और वो अपनी सफलता का हस्ताक्षर बन गए। आप अपने चारों तरफ इस समय उन सितारों को देख पाएंगे जो जी टीवी ने आपको दिए हैं, इस देश को दिए हैं। 90 के दशक में और उसके बाद आपको याद होगा पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखा करता था। वो एक अलग अनुभव हुआ करता था। उस जमाने में टीवी परिवार की तीन पीढ़ियों को एक साथ ले आता था। हमें टीवी पर कार्यक्रमों का इंतजार रहता था। टेलीविजन ने हमारे देश के करोड़ों परिवारों को एक सूत्र में बांधने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इसमें जी टीवी का एक बहुत बड़ा योगदान है। इतनी सारी तस्वीरें आपने देखी आपके चारों तरफ, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं और आपसे मेरा सवाल होगा, क्या आप इस चेहरे को पहचानते हैं? अक्सर कहा जाता है रिश्तों के रूप बदलते हैं। इस चेहरे ने जी की छत्रछाया में कई रिश्तों को जिया है और आज एक और खास बात आपको बताने जा रहा हूं। लोकल खबरों को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए देश के तमाम न्यूज चैनल्स हर जिले में स्ट्रिंगर्स रखते हैं। आपने ये नाम कई बार सुना होगा, हर न्यूज चैनल के स्ट्रिंगर्स होते हैं जो कि जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर न्यूज कलेक्ट करके उसके बाद भेजते हैं। स्ट्रिंगर वो व्यक्ति होता है जो किसी न्यूज चैनल का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, लेकिन फिर भी न्यूज रूम के साथ उसका एक अटूट रिश्ता होता है। 1994 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान एक युवा स्ट्रिंगर थी जो जी न्यूज के शुरुआती बुलेटिन के लिए अक्सर खबरें भेजा करती थी। उस दौर में मैं खुद भी एक रिपोर्टर होता था और मैं भी अपने करियर की शुरुआत कर रहा था उस वक्त। और आज 23 साल बाद मैं आपको उस स्ट्रिंगर से मिलवाना चाहता हूं और मुझे यकीन है उस स्ट्रिंगर को देखकर, उससे मिलकर आप सब आज हैरान रह जाएंगे। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, डिग्निटरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, जी ने एसएल ग्रुप के 90 वर्ष के इस सफर में 25 सालों का योगदान दिया है। जी ने अंताक्षरी के माध्यम से लोगों को गवाया, हम पांच के माध्यम से लोगों को हंसाया और तीन बहुरानियां ने रुलाया भी। लेकिन आज भी जब कोई नागरिक देश का सपनों की पोटली बांधकर मुंबई जाता है और मीडिया की दुनिया में अपने लिए खास जगह बनाना चाहता है तो उसे एक निवेदन किया जाता है कि एक बार कम से कम जी के वर्ली स्टूडियो में जाकर ऑडिशन जरूर देना, क्या पता किस्मत वहां चमक जाए। इसलिए आज नमन है उन सब लोगों को जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की, जी नेटवर्क के हर उस व्यक्ति को जिसने लोगों के सपनों को साकार करने में उन्हें सहारा दिया। आज मेरी ओर से जी नेटवर्क को और एसएल ग्रुप को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, जय हिंद। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। परिवार के बाद जो व्यक्ति जीवन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो होता है आपका गुरु। जीवन में गुरु की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है। गुरु हर तरह के अंधेरे को मिटाता चला जाता है। अब मैं स्वामी अवधेशानंद जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। स्वामी जी एसएल परिवार के गुरु हैं। उन्होंने और उनके गुरुजी ने एसएल ग्रुप के संघर्ष को
उस परिवार के संघर्ष को और उतार चढ़ाव को अपनी आंखों से देखा है। कल्याणी कालिंदी के किनारे भारत की ऐतिहासिक पौराणिक सांस्कृतिक नगरी यह इंद्रप्रस्थ, नई दिल्ली की यह सांझ, इस संध्या में भारत के शासक प्रशासक उपासकों के समूह में अत्यंत आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी, भारतीय संस्कृति संस्कार संवेदना को स्वाभिमान स्वावलंब और स्वायत्तता देने के लिए संकल्पित भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रऋषि माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस समूचे अनुष्ठान की प्रेरक और नियामक सत्ता अत्यंत आदरणीय नंदकिशोर गोयनका जी, इस पूरे परिवेश में अत्यंत आदरणीय आप सब के बीच में मैं आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ। एक यात्रा आप देख रहे हैं, ये कुछ एक बीज की तरह से है, और जब बीज को धरा की अनुकूलता, वहाँ की उर्वरा उन्नतता, ऋतु की भी अनुकूलता मिल जाए, तब वह अपने अंतस को उजागर करता है। वह बीज फिर अपने भीतर के फल फूल गोंद छाल छाया बलकल हरितिमा गंध सुगंध मकरंद और जो कुछ भी उसमें वैसा है उसे उद्घाटित करता है। पर बीज को चाहिए धरा, धरती चाहिए, और धरती की उर्वरा को लेकर प्रकृति की अनुकूलताओं को पाकर वह फिर आकाश चूमने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ वैसा ही इस परिवार में है। आदरणीय रामगोपाल, फिर उनके पुत्र आदरणीय जगन्नाथ, फिर उनके पुत्र आदरणीय नंदकिशोर गोयनका, और फिर हमारे बीच में भारत की यशस्वी प्रतिभा आदरणीय सुभाष गोयनका, जवाहर जी, लक्ष्मी जी, अशोक जी, उनकी भगनियाँ और समूचा यह परिवार निसंदेह भारत की उस सभ्यता का परिचय देता है जहाँ परिवार ही तीर्थ है। ये परिवार कुछ ऐसा ही है। बहुत लंबा एक संबंध है हम संतों का इस परिवार से, मेरा, मेरे गुरुदेव का और उनके भी गुरुदेव का, एक बहुत पीढ़ियों से संबंध है, और इसीलिए यहाँ प्रगति है। सबके लिए सपने इन्होंने देखे हैं, इनकी आंखों में सपने पूरे समाज के लिए हैं, राष्ट्र के लिए। तो इस परिवार ने लोक मंगल के लिए सपना देखा है। मैंने आदरणीय नंदकिशोर गोयनका जी के वो 30-35-40 साल पुराने जीवन को देखा है। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे संन्यास का शैशव काल था, तब मैंने उन्हें गौ सेवा करते देखा है। और हाँ, वो आज भी कंकड़ी कंकर और कागज के टुकड़े बीनते हुए दिखाई देते हैं अग्रोहा में। वो आज भी एक टोकरी उठाकर वहाँ के कचरे को उठा सकते हैं। तो ये कैसा परिवार है जिसने नई कीर्तिमान स्थापित की हैं, और इनकी प्रगति उन्नयन उत्कर्ष इसलिए भी है कि ये इनके पास में सबके हित के लिए सपने हैं, लोक मंगल के लिए सपने हैं। मैं बहुत ही आनंदित हूँ इस परिवार की प्रगति उन्नयन उत्कर्ष देखकर, और एक इतना बड़ा परिवार आपके रूप में भी आज यहाँ उपस्थित है, तो मैं पूरे परिवार को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। धर्म सत्ता, राज सत्ता और वो सारी सत्ताएं यहाँ आज एकीकृत हैं जिनके कारण इस परिवार को बहुत ऊंचाइयाँ मिली हैं। अभी और भी कुछ बाकी है जो पूरे विश्व को इस परिवार के द्वारा दिया जाना अभी शेष है। इस अवसर पर मैं आदरणीय नंदकिशोर गोयनका जी के स्वास्थ्य की और फिर इस पूरे परिवार की प्रगति की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, और यह परिवार अपनी भूमिका में सफल हो, और वो भूमिका है राष्ट्र निर्माण की, सबके स्वाभिमान स्वावलंब और उनकी स्वायत्तता की रक्षा की। इस परिवार का सपना है कि सबके अधिकार और सबका सम्मान स्वाभिमान निजता सुरक्षित रहे। ऐसा एक पवित्र स्वप्न और संकल्प जिस परिवार का है, उसकी प्रगति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, और इस दैवी और दिव्य अनुष्ठान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ही ओम। आपके प्रेरणा भरे शब्दों के लिए धन्यवाद स्वामी जी। अब मेरी जगह कमान संभालेंगे गुंजन उतरेजा, जो आपको कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में लेकर जाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी बहुत विशेष तैयारियां की गई हैं। गुंजन,
थैंक यू सर, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सब तो जानते हैं कि इस वर्ष जी टीवी ने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस सफलता में दो मजबूत पिलर्स रहे हैं जी टीवी के, दो शोज सारेगामा पा और डीआईडी यानी कि डांस इंडिया डांस। और इस सेलिब्रेशन में चार चांद लगाने के लिए आज यहां मौजूद हैं कुछ बेहतरीन टैलेंट। और सबसे पहले मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा सारेगामा पा के स्टार्स को। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम कुशल पॉल, ज्योतिका टांगरे, सचिन कुमार वाल्मीकि, हरजोत कौर और रूपाली जगा।